नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ टीम संकल्प प्रकाश द्वारा जिला मंत्री सौरभ पंत की अगुवाई में कुसौली स्थित पंचायत भवन में निर्मित प्रकाश भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद लोगों को कंबल व किचन सेट वितरित किए गए और उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। छोटे बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह, मनु चौसाली, हेमंत बिष्ट, ललित उपाध्याय, त्रिलोकीनाथ चौसाली, उर्वादत्त भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के शीर्ष पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध थलकेदार मंदिर में स्वामी व्रक्तानंद की उपस्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान और नशामुक्त तनाव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्राप्त हेमंत गुरु महाराज द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जाहिर की गई और रोकथाम के लिए सभी को आगे आने की अपील भी की गई तथा मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने की अपील भी लोगों से की है। साथ ही उन्होंने मंदिर की पवित्रता या मंदिर परिसर में नशापान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। तो पवित्रता को बनाए रखने का मैं सभी को संदेश देना चाह रहा हूँ। सब लोग सुन रहे होंगे क्योंकि सत्य तो सत्य है और सत्यम शिवम सुंदरम है। पिथौरागढ़ के जाख में युवक मंगल दल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जाख और गुरना के मध्य खेला गया, जिसमें जाख की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दुग्ध संघ अध्यक्ष विनोद भट्ट, राजेंद्र भट्ट, नंदकिशोर जोशी, योगेश भट्ट, राहुल भट्ट सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। देहरादून से दिल्ली को जा रही एक रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले के ऊपर चढ़ गई। गनीमत रही कि तेजी से बस नहीं पलटी और उस समय कोई वाहन या व्यक्ति उस स्थान पर मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। हादसे में एक चालक और एक अन्य यात्री को हल्की चोटें बताई जा रही हैं। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज देहरादून ISBT से दिल्ली को प्रातः रवाना हुई उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस चंद्रबदनी चौक के निकट अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले के ऊपर चढ़ गई। बस के अनियंत्रित होने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। 112 के माध्यम से क्लेमेंटाउन थाने को मिली हादसे की सूचना पर त्वरित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को बस से उतारकर घायल दो युवकों को 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। पुलिस द्वारा परिचालक से जानकारी लेने पर उसने बताया कि बस में 15-20 यात्री सवार थे। अचानक चालक राहुल 40 वर्ष की तबीयत खराब हो गई और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बनी नाली में चढ़ गई। बस में सवार यात्री सभी सुरक्षित बताए गए हैं। चालक व एक अन्य यात्री महेंद्र को हल्की चोटें आई हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। हादसा प्रातः 4:45 के आसपास होना बताया जा रहा है। आज़ादी के जश्न के बीच दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। सड़क हादसे में दो युवाओं की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल से स्कूटी से आ रहे दो युवक यश बिष्ट पुत्र शेर सिंह बिष्ट उम्र 20 वर्ष निवासी दमवाडुंगा तथा शुभम जोशी पुत्र आनंद जोशी उम्र 19 वर्ष निवासी दमवाडुंगा नैनीताल रोड पर टूटा पहाड़ के निकट अचानक स्कूटी के अनियंत्रित होने पर गिरकर नैनीताल की ओर जा रही एक पिकअप वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर SP क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र, काठगोदाम थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक और टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम द्वारा दोनों गंभीर रूप से घायल हुए युवाओं को स्थानीय लोगों की मदद से निकालकर उपचार के लिए 108 के माध्यम से सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया। युवाओं की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों मृतक आपस में अच्छे दोस्त व पड़ोसी थे। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की नई पहल व जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।